नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार, एचयू न्यूज़ सर। आज हमें ग्राम पंचायत नायकपुर में श्री अशोक जी के साथ में, तो आइए जानते हैं अशोक जी के विचार प्रधान पद के प्रत्याशी जीतने के बाद क्या है। सबसे पहले सर जी, अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार जी, श्री शंकरलाल, ग्राम नायकपुर जी। जैसा कि अभी आप ग्राम प्रधान के प्रत्याशी बने थे और आपने जीत हासिल की, तो आप कितने वोटों से जीत हासिल की आपने? 156 वोट से। आपके गांव में टोटल कितने ग्राम पंचायत में कितने की वोटिंग है? 683 की। आपको वोटिंग से कितने वोटों से जीत मिली है? 156 वोट से जी। तो अभी जैसे देखा जा रहा है कि गांव में काफ़ी समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं, वो कौन सी समस्याएं होती हैं? समस्या जैसे सड़क को लेकर, पानी को लेकर, पानी की समस्या जी। तो ऐसी कोई समस्या चल रही है आपके गांव में? अभी तो कोई समस्या है नहीं, पानी भी आ रहा है पोखर में जी। अभी कोई समस्या नहीं है। अभी देखा जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में लोग सतर्कता नहीं निभा रहे हैं गांव में, तो आप ग्रामवासियों से क्या निवेदन करेंगे कोरोना को लेकर? ठीक ठीक ठाक से रहें और दूरी बनाए रखें थोड़ी जी, और कोई परेशानी ना आए, मास्क वास्क वगैरह लगाकर। अच्छा, जैसे कि अभी आपको जनता का प्यार मिला है, इसने मिला है और उन्होंने प्रधान पद सौंपा है, तो आप जनता का आभार व्यक्त कैसे करेंगे? उन्हें ठीक ठाक से सही तरह उन्हें निभाएंगे अपना जी व्यवहार। इसके लिए आप जनता से क्या कहेंगे? उन्होंने आपको वोट दिया, तो आप इनसे जनता से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आप, तुमने हमारे साथ किया, वो तुम्हारे साथ करेंगे ठीक ठाक से। आगे 5 साल के कार्यकाल में जो भी समस्या है उसका दूर करोगे जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अशोक जी के विचार हैं कि आप लोगों ने जो उन्हें समर्थन दिया है, वो आगे आपके 5 साल के कार्यकाल में आपके सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।